देखिए बिल्कुल है, जो अंदर से तस्वीरें आई हैं उसमें अखिलेश यादव जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनके साथ अंदर बैठे हुए हैं, यानी वेटिंग एरिया में वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो डीजीपी साहब हैं, इसके अलावा जो और जो सीनियर अधिकारी हैं वो उनसे जो है मुलाकात करेंगे। तो अंदर डीजीपी से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो अंदर अखिलेश यादव हैं, बाहर जो है आप देख सकते हैं कि जो गेट है वहां पर बड़ी संख्या में जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और देखिए कि वो नारेबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि अखिलेश यादव मुसीबत की घड़ी में हमेशा एक एक कार्यकर्ता के साथ मौजूद रहते हैं। ऐसे में वो डीजीपी से ये मांग करने पहुंचे हैं कि ये जो गिरफ्तारी की गई है उसे तत्काल जो है बंद किया जाए, उनको रिहा किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पार्टी वर्कर्स हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व यानी अखिलेश यादव का निर्देश होगा उसके अनुसार वो काम करेंगे, यानी आंदोलन करने से भी जो पीछे नहीं रहेंगे। और इसको देखते हुए जो डीजीपी मुख्यालय है उसके सभी गेट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम अधिकारी खुद जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, इस गिरफ्तारी को लेकर के, तो लिहाजा यहाँ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। अब जब डीजीपी से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव तो देखना होगा कि उसके बाद पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अगर छोड़ने का काम नहीं किया जाता है पार्टी कार्यकर्ता को तो आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मौजूद है मुझसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए जिस तरीके से ये सरकार अत्याचार कर रही है ये बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। आप समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से पुलिस से आज जवाब पूछने आए हैं कि आपने किस आधार पे, दर्जनों नहीं कई दर्जन ऐसी मुकदमे पड़े हैं लंबित, जो बीजेपी के गुंडों, बीजेपी के नेता माफिया गुंडे जिन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में गलत टिप्पणी की है, सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या समझूं, पुलिस 5+1 हो गई है क्या? पुलिस के अंदर दम नहीं बचा है क्या? पुलिस के अंदर वो क्षमता नहीं है क्या कि सही और गलत का निर्णय ले सके? जिस तरीके से ये अत्याचार हो रहा है ये अब योगी आदित्यनाथ को और उनके जो प्रिय लोग हैं FIR एक्सपर्ट उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी सड़क पर हैं। तो अंदर मुलाकात हो पाई क्या? अंदर से कोई आप लोगों को आदेश मिला अखिलेश यादव जी का? उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा अधिकारी नेता नहीं है जो हमारे नेता से मिलने का टाइम ना दे। मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गर्म हो गया होगा, आज टेम्परेचर बड़ा कम है ना, गर्म हो गया होगा कई लोगों का, समझ रहे हैं ना मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। सबके नींद हराम हो गई, योगी आदित्यनाथ भी छटपटा रहे होंगे, अरे ये क्या हो गया, अभी तो सोके भी नहीं उठे होंगे। योगी आदित्यनाथ 10 बजे सोके उठते हैं, आपको तो जानकारी होगी, विजिबिलिटी रहती नहीं है, और जब विजिबिलिटी होती तभी हेलीकॉप्टर उतरता है जमीन पे, वो चलते नहीं है तो सो ही रहे होंगे कंबल में पड़े। तो रिहा अगर नहीं किया जाता है तो क्या रिएक्शन रहेगा समाजवादी पार्टी का? ईट से ईट बच जाएगी, रिहा तो इनके बाप को भी करना पड़ेगा। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई आप, हम किसी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़े हैं। आप अत्याचार कर रहे हो और वो भी उनके साथ जो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हो, समाजवादी पार्टी जवाब देती है और आप उससे चिढ़ जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर कोई दम नहीं है। आप सिर्फ वो बातें कर रहे हो जिससे कि अपनी अच्छी अच्छी, खैर योगी आदित्यनाथ जी आपके दिन पूरे हो गए, बहुमत की सरकार है लेकिन आप 5 साल सत्ता में नहीं रहोगे, ये भी बिल्कुल तय है। तो बिल्कुल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि रिहा करना पड़ेगा, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश है इस गिरफ्तारी को लेकर के। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि जो गेट है इसको आप देखिए बंद कर दिया गया है और भारी संख्या में आपको फोर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी बाहर जो है समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अंदर अखिलेश यादव खुद मौजूद हैं और जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं डीजीपी मुख्यालय के सभी पर जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स का पहरा कर दिया गया है। अधिकारी खुद यहां पर बुलाए गए हैं, तमाम थानों की, अलग अलग थानों की जो फोर्स है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। और बाहर आप देख सकते हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी गिरफ्तारी की गई उनको रिहा नहीं किया जाता है तो फिर सरकार को समझना होगा और एक आंदोलन जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू होगा।